क्या कर रहा है निको? नहीं गाइस सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सुबह सुबह उठ के मैं नहा लिया हूँ क्योंकि आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का दिन दो चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, आप लोगों को पता ही होगा। एक तो है तिलकुट और दूसरा जो कि व्लॉग में आगे आपको बताऊंगा क्या चीज़ के लिए फेमस है। वैसे आप लोग गेस करके बता सकते हो क्या चीज़ के लिए फेमस है, बट आगे व्लॉग में भी पता चल जाएगा। तो आज सुबह उठने के बाद, अब सुबह से कुछ खाया नहीं हूँ, सिर्फ चाय पिया हूँ। बट आज खाना है दही चूड़ा। मम्मी पूजा करिए, पूजा करने के बाद जाएंगे दही चूड़ा खाते हैं। तो चलिए खाते हैं दही चूड़ा और तिलकुट। तो आज मकर संक्रांति स्पेशल में है, मकर संक्रांति स्पेशल में है दही चूड़ा और इधर है सब्जी, चटनी, चोखा, तिलकुट जो कि फेमस है दही चूड़ा, और इसके ऊपर जो दिख रहा है वो है गुड़। आज खाते हैं दही चूड़ा। तो यहाँ खा रही है और देख रही है मेरा व्लॉग। इसका तबीयत हो गया पूरा ख़राब। कैसे तबीयत खराब हुआ जी तुम्हारा? तुम घर में कोरोना ले आए? कोरोना यही कितना खाती है छिपा भर के। अबे गेट लॉस्ट। तो जैसे ही मैं लंच करके उठा वैसे ही मेरा अमेज़ॉन का पार्सल आ गया। आप लोग देख सकते हैं अमेज़ॉन का पार्सल है, जो इसमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि हर ब्लॉगर के पास होना बहुत ज़रूरी है, खास करके जो मोबाइल से ब्लॉगिंग करते हैं। तो चलिए देखते हैं अनबॉक्सिंग करके इसके अंदर है क्या आखिर, और आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या है। तो ये पार्सल कट करने का जो फीलिंग है वो फीलिंग बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो भाई। तो इसके अंदर है वन प्लस का पावर बैंक 10,000 mAh का। तो इसको ओपन करते हैं और अंदर का देखते हैं पावर बैंक। तो यहाँ पीछे में लिखा हुआ है 18W फास्ट चार्जिंग डुअल USB आउटपुट, और इसमें और USB केबल है वो सब भी लिखा हुआ है सब कुछ। तो अंदर खोलते हैं और देखते हैं क्या क्या दिया है इस बॉक्स के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है, जिसमें है पावर बैंक और अंदर है यूज़र मैनुअल, और उसके साथ दिया है यह यूज़र मैनुअल, उसके साथ दिया है एक डाटा केबल जो कि बहुत USB टाइप और C टाइप दोनों के लिए है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं पावर बैंक का क्वालिटी कैसा है। तो पावर बैंक तो काफ़ी अच्छा स्लिम सा है, ज़्यादा है मोटा भी नहीं है, बहुत अच्छा स्लिम में है। और इसका लिखा हुआ है नेवर सेटल, जो कि वन प्लस का टैगलाइन है। तो अब इसको यूज़ करके देखते हैं आखिर इससे फ़ोन चार्ज होता भी है या नहीं। चलिए इस फ़ोन में लगा के देखते हैं ये चार्ज उठाता है कि नहीं। तो इसको लगाने के बाद देखिए यहाँ पे चार्ज उठाने लगा है। जोर से बोलो पतन पतन। तो यहाँ आए हुए हैं हम पतंग उड़ाने के लिए। आए तो थे पतंग उड़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पे बच्चों लोग का लड़ाई स्टार्ट हो गया। तो देखिए और ये लोग लड़ाई कम पबजी खेल रहा है, रिवाइव करिए बोल रहा है। ये लोग का लड़ाई हो गया, जिस वजह से लड़ाई मुझे छुड़ाना पड़ेगा, तभी पतंग उड़ा पाऊँगा। पतंग उड़ाने का प्लान तो गया फ्लॉप क्योंकि हवा ही नहीं चल रहा है, तो पतंग तो नहीं उड़ाऊंगा। तो अब चलते हैं क्या कर रहा है मंदिर घूमने। आज साईं मंदिर घूमने जाते हैं, पहले ऋषि करते निकलो फिर सोनू को, फिर चलेंगे साईं मंदिर घूमने। तो आ गए हम लोग बांस का पत्ता तोड़ने के लिए। छोटी गंगा रन मूवी वाला छोटी गंगा ही मिला। कर रहे हैं प्रियांशु आप दिखने रहा है फिर भाई वो वो तो ठीक है, लेकिन आप बताएंगे ना क्या कर रहे हैं? सेम सवाल बार बार मत पूछो, अच्छा नहीं लगता। अच्छा हाँ। तो इसको क्या करेंगे? इसको हम खिलाएंगे गौ माता को। चलिए हम लोग इधर दिखाते हैं क्या हो, इधर साइड क्या है। ये देखिए इधर साइड सिर्फ जंगल ही जंगल है, कुछ कुछ घर दिखेगा इस जंगल में, लाल पीला हरा, देखिए हरा वहाँ पे है। इधर साइड देखिए रास्ता है थोड़ा ख़राब, हम लोग जा रहे हैं दूसरे जगह से पत्ता तोड़ने के लिए। ओके गाइस मिलते हैं फिर।
आज सोनू को पूरा ठंड लग रहा है, टोपी भी पहना हुआ है, सर दर्द भी कर रहा है, सर दर्द भी कर रहा है, लगता है कोरोना का लक्षण है। कोरोना आके खत्म भी हो गया गाइस। आज पहली बार सोनू को टोपी में देख रहे, लगता है ठंड बढ़ गया। ठंड बढ़ गया गाइस, बढ़ गया ना। नहाना पड़ा ठंडा पानी में ना गाइज। गाइज हम भी ठंडा पानी से नहाते हैं हमेशा गाइज। नहीं गाइज, सुबह नहाना पड़ा आज गाइज। गाइज सुबह ही नहाते हैं हम भी गाइज। नहीं गाइज, ये नहाता भी है, नहाता भी है। हाँ गाइज, बाल धो के भी नहाए ठंडा पानी से गाइज। अरे मोबाइल लेके गाइज, जल्दी आओ गाइज। उल्टा देख रहा है। अबे यही देखने वाला था तुमको, नहीं पता। आप देख के बताते सही कैसा लगा था। क्या दिख रहा है ऊपर? ऊपर ना गाइस, पूरा लग रहा सूरज उग गया, पूरा धूप आ रहा था। हैप्पी वाला गाइस, इससे दूर दिख रहा है जो एक लेयर है ना बादल, वो हट के अगला लेयर वाला दिख रहा था, पूरा बादल पूरा धूप। हम तो क्या बताएं गाइस, अब इससे देखे गाइस। हाँ इससे देखो, ये ठीक लग रहा है। इससे तो पूरा पीला दिख रहा है। नहीं गाइस, ये तो हमें कैमरा दिख रहा है क्या? जो निक्कू है ना गाइस, निक्कू, निक्कू दूसरा टाइप का लग रहा था। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा? निक्कू से कुछ दूसरा बन गया था गाइस। कैसा लग रहा था? चमक रहा था निक्कू। अब तुमको देखते हैं, देखो गाइस, तेरा तो सिर्फ बाल दिख रहा गाइस। माइक है वो, माइक वाला बाल है। तो चला जाए अंदर। हाँ चला जाएगा। तो हम लोग आ चुके हैं आज साईं मंदिर, अंदर साईं मंदिर चलते हैं, जो कि यहाँ पे बनने वाला है बहुत ही बड़ा मूर्ति, 151 फीट का। तो चलिए अंदर साईं मंदिर देखते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं अंदर में क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज का मूर्ति है। और कुछ गाइस, थोड़ा हेलीकॉप्टर घुमा लेते हैं। हेलीकॉप्टर नहीं है गाइस, हेलीकॉप्टर नहीं है वो गाइस, वो टू इन वन है। देखो ये जो है ना राफेल लेने वाला है, राफेल ले लिया, ले लिया अभी और आने वाला है। हाँ तो इसी से आया था, फर्स्ट खेप यही अपाची है, अपाची हेलीकॉप्टर है, एयरफोर्स को मिलेगा। फोर्स देखो, फोर्स फोर्स लिखा हुआ ना, एयर शिप छूट गया, एयर यहाँ जुटेगा, एयरफोर्स। मिग फाइटर 810 है इसका, ये अपाची है या मिग फाइटर 810 है, दोनों मिक्स है, हाइब्रिड है ये, समझा? हाइब्रिड है, हैवी है, ये पूरा हैवी है, इससे दुश्मन अब बिना ये उड़े हुए यहीं से निशाना लगा सकता है दुश्मन के यहाँ। तो फिर इसमें उड़ने का फैसिलिटी क्यों दिया? दिया हुआ है कि कहीं जाना पड़े तो ना। हाँ कहीं जाना पड़े तो अचानक, गाइस इसके लिए एक सीमा है स्पेस, उस स्पेस में नहीं सीमा है, ये लगभग 8-9 हज़ार किलोमीटर तक कर सकता है। अब जैसे 8-9 हज़ार किलोमीटर से जो दूर रहेगा उसको कहते हैं, उसको ताकि उड़ के 8-9 हज़ार का रेंज में आना पड़ेगा उसको, तब होगा। और कुछ देखना आपको गाइस? हाँ गाइस तो देख ही रहते हैं। दिखाइए ये पियानो, नहीं देखिए गाइस ये वाला। अरे गाइस ये तो आप भूल ही गए थे। गाइस यार है ग्रेट पुलिस को ये मिलेगा गाइस, लैम्बोर्गिनी नहीं, ये दुबई वाला पुलिस का गाड़ी है ना, दुबई वाला ना, ये ग्रेट पुलिस को भी यही वाला मिलेगा। इसमें देखिए अंदर में अगर पुलिस है ना, हाँ तो बाहर लाइट जलता है, बाहर से भी नहीं दिखेगा, बाहर से नहीं दिखेगा कि अंदर पुलिस है कि दूसरा कोई बैठा है, बस कोई भी इसको चलाएगा ना गाइस, हाँ। तो उसको पब्लिक पुलिस ही समझेगा, ऐसा गाड़ी है। आप समझ रहे ना गाइस? हाँ। और कुछ इसमें निक्कू बैठे, कौवा बैठे, कोयल बैठे, कोई भी चला दे, इसमें लगेगा कि नहीं पुलिस ही चला रहा है। ये वाटर फोन, आप लोग स्मार्टफोन सुनेंगे, वाटर फोन देखे, देखिए वाटर फोन, ये वाटर फोन गाइस देखिए, खेल के दिखा दो, इसमें पिलाने वाला है गाइस देखिए, यहाँ आपसे नहीं होगा, हो गया गाइस देखिए, हो रहा ना गाइस देखिए, देखो गाइस ये वो फूल हो गया ना गाइस। तो गाइस हम बहुत पहले गेम बचपन में खेलते थे पूरा, अब नहीं खेलते क्योंकि बचपन में तो छोटा मोबाइल मिला नहीं था, यही मोबाइल को वाटर मोबाइल में एकदम शौक मारते थे। अरे एक और मोबाइल आता है गाइस, चल चाहिए चाहिए वाला, चल चाहिए चाहिए यहाँ कहाँ, हाँ गाइस इसमें बजेगा नहीं, बजेगा नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं लगी। अरे गाइस इसका शोल्डर टूट गया है, शोल्डर टूट गया, क्या बताएं गाइस, सोल्डिंग आयरन से इसको और भी है, और भी है धूम मचा। तो गाइस देखिए यही वाला बचपन में रखते थे मोबाइल हम लोग, चल चाहिए चाहिए चल चाहिए चाहिए खाना
खाई के पान बनारस वाला। देखिए गाइस आप बनारस में आप जाइए तो पान जरूर खाइए। चलिए अब इसका लगा दीजिए पीछे। देखिए गाइस बंद कर दिए, लॉक कर दिए। ठीक है गाइस अब अंदर हम आपको थैंक यू बोल रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग अंदर साईं मंदिर के अंदर। रुकना मेरा पहले जाने दो। गजब कर रहा है। हार दो झोला तुम लोग। हाँ तो यहाँ पे लगते हैं पर पर्सन पर फुटवेयर 2 रुपीस। इसको यहाँ रख के अंदर चला जाए। तो हम लोग आ चुके हैं गाइस साईं मंदिर। इधर है बजरंग बली का मूर्ति और इस साइड है गणेश जी का। और इधर और भी मूर्तियाँ बनने वाली है जिसका पूरा मैप है एक जगह, तो मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा पूरा मैप कौन कौन सा मूर्ति बनने वाला है। और ये देखिए गणेश जी का फ्रंट है। गाइस मेरा भी फोटो लेना गाइस जरूर। गाइस बताइएगा गाइस अच्छा लग रहा कि ना। गाइस थोड़ा माथा दर्द कर रहा था गाइस, इसलिए चेहरा थोड़ा सा खराब हो गया गाइस। हाँ गाइस फेस वॉश करके क्रीम भी नहीं लगा पाए आज। तो ये जो मूर्ति आप देख रहे हो 31 फीट का मूर्ति है हनुमान जी का, और वो जो गणेश जी का मूर्ति है वो 21 फीट का है। यहाँ पे सबसे टॉलेस्ट मूर्ति जो बनने वाला है वो 151 फीट का होने वाला है जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। अभी कंस्ट्रक्शन बंद है, कोविड जब से आया तब से कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, वरना अभी तक ये कम्प्लीट हो गया होता। फिलहाल अभी यहाँ पे 2 मूर्तियाँ कम्प्लीट हुई है, अभी आगे और 7 टोटल मूर्तियाँ बनने वाली है। 151 फीट का सबसे टॉलेस्ट मूर्ति है जो कि शंकर जी और पार्वती जी का होने वाला है। आगे अंदर में आप देख सकते हैं वो जो है वो पूरा अंदर का है, वो साईं मंदिर है। यहाँ से एंट्रेंस है, पहले सिर्फ इतना ही मंदिर था, अभी ये नया स्टार्ट हुआ है। और वो जो मेन मंदिर दिख रहा है वो आपको साईं मंदिर है। तो यही मैप है जो कि यहाँ मंदिर का, ये एंट्रेंस गेट है, ये गणेश जी का है जो बन चुका है, ये आपका बजरंग बली का था जो बन चुका है, पीछे एक और बनने वाला, उसके बाद ये सबसे टॉलेस्ट जो आपको दिख रहा है ये मूर्ति बनना है जो कि 151 फीट का होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं कंपैरिजन करके इसका हाइट और इसका हाइट में कितना डिफरेंस है। और ये यहाँ नीचे में म्यूज़ियम भी बनने वाला है जो कि अभी नहीं हुआ है। और इधर साइड जो साईं मंदिर है वो कंप्लीट हो चुका है, इस साइड आप लोग को दिखाया जाएगा, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो चलिए चलते हैं साईं मंदिर के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ, बहुत ही अच्छा मंदिर है जो कि आप लोग यहाँ आके बहुत ही शांति मिलेगा। और आप लोग गांधी जी के 3 बंदर यहाँ 4 बंदर देखिए, यहाँ गांधी जी के 4 बंदर है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत सोचो, बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन कितना अच्छा है, मतलब कितना अच्छा यहाँ पे मेंटेन्ड है, प्लस मूर्तियाँ बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग यहाँ पे आए, बहुत ही प्रकार के मूर्ति देखने को मिलेगा आपका, और बहुत ही शांति मिलेगा आप लोग यहाँ पे। तो अगर आप लोग गिरिडीह आओ कभी तो साईं मंदिर ज़रूर आओ, और अगर कंप्लीट होने के बाद आओगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये अंदर है साईं जी का मूर्ति जो कि अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, तो मैं नहीं दिखा सकूँगा, अंदर नहीं ले जा सकूँगा कैमरा, वरना आप लोग को अंदर बहुत ही अच्छा चीज़ राम सेतु का पत्थर भी यहाँ पे जो पानी में तैरता है वो भी देखने को आप लोग को मिलेगा, अंदर में है, लेकिन मैं आप लोग को दिखा नहीं सकता हूँ। आप लोग यहाँ आओ तो खुद ही देखो और अपने आँखों में ले जाओ, कैमरा में नहीं ले जा सकते हो। तो चल
का पत्थर जो नहीं डूबता है पानी में। हाँ गाइस देखे हैं, एक पहली बार में तो नहीं देख पाए, पहली बार जब गए तो नहीं देख पाए, हमको लगा कि नहीं होगा, हो सकता। तो डब्बा में रखा हुआ था, पानी भरा हुआ था डब्बा में, ऊपर में पत्थर तैर रहा था। तो आपको पहली बार आप देखे यहाँ पे? हाँ यहाँ पहली बार देखे, हमको पता नहीं था गाइस कि यहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, राम सेतु वाला पत्थर। तो कैसे पता चला आपको? आपने तो बताया, पहली बार में नहीं दिखा, फिर कौन बताया? आप बताए कि नहीं, वही मूर्ति के पास रखा हुआ टब में है एक रखा हुआ, तो गए तो देखे वो पत्थर तो ही तैर रहा है, तो समझ में आ गया। छू के देखे? नहीं छू के नहीं देखे। आप भी देखे? हाँ हम भी देखे। आपको कैसा लगा देख के? देख के कैसा लगे, अच्छा था, पत्थर छू के देखे हिल रहा था, मतलब नीचे नहीं जा रहा था। सोनू को नहीं छू के देखे, आप छू के देखे, नीचे नहीं जा रहा था ना। तो साईं मंदिर आपको कैसा लगा घूम के? अच्छा लगा, पहले भी आया लेकिन पत्थर वाला नहीं पता था, पत्थर वाला आज पता चला ना आपको? आप हम भी यहाँ पर 5-7 बार आ गए, मगर पत्थर वाला आज जब बताया ना तू, तब हमको पता चला। कोई बात नहीं, आपको कहाँ से पता चला? पता चला जब नया नया आया था ना, तो भी हमको पता चला था। ठीक है गाइस, आप भी आइए, आप लोग भी आइए गाइस। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गिरिडीह आना है तो कहाँ घूमना जरूरी है? गिरिडीह आना तो यही मकतपुर वाला रोड में घूमिए, और साईं मंदिर में घूमिए, और पारसनाथ भी घूमिए, खंडोली वाटरफॉल सब जगह घूमिए। अरे वीडियो देख रहे हैं तो क्या करना जरूरी है? लाइक करना है, शेयर करना है, दबा के शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना, और डबल बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे। और कल भी बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है। हाँ गाइस, और एक बात और बताना, आपको तो भूल ही गए कि कल का वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि कल हम लोग बहुत ही खतरनाक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। सोच रहे हैं एकदम पिकनिक उकनिक जाए, पूरा एकदम दबा के खाएंगे मटन। नहीं गाइस, मटन तो हम नहीं खाएंगे, वेजिटेरियन सॉरी। हम कुछ बना हुआ ही ले लेंगे होटल में गाइस, इन लोग बनाएगा वही देखेंगे हम गाइस। ठीक है गाइस, वहाँ ब्लॉक किया जाएगा गाइस। कहाँ ध्यान है सोनू? माता रथ कर रहे ना गाइस, तो भाई यहाँ थोड़ा शांति बुझा रहा था। और कल इसका एग्जाम है तो ये पिकनिक नहीं जाएगा, हमेशा की तरह इसका कोई ना कोई बहाना आ जाता है। तो चलिए चलते हैं क्या? हाँ गाइस, नहीं थोड़ा अभी घूमेंगे गाइस। ठीक है, आप कैमरा भी रखते हैं अंदर क्या? हाँ बंद करो। ठीक है, तो देखिए यू सी दिस गाय, नंबर वन बुलशिट गाय। अगर आपका ध्यान मन घर में ध्यान नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, यहाँ पे आइए, बहुत ही आराम बुझाएगा, ऐसे आराम से झूलिए। नहीं तो आप अगर ऐसे नहीं तो रुक के दिखाते हैं, ऐसे करके ऐसे आराम से कीजिए, जोर से ऐसे झूलिएगा। हो गया, झूल लिए, तो चलिए बहुत अच्छा लग रहा है। आपका ध्यान कैमरा में दिख रहा है, इधर उधर है। अरे गाइस कैमरा में ही है, माथा दर्द कर रहा था, एक बार इधर टांग रहा माथा, एक बार इधर टांग, क्या बोल रहा है, एक बार इधर एक बार इधर। तो ये है गिरिडीह का साईं मंदिर, जो आप लोग आए तो जरूर घूमें, यहाँ सामने में पार्क है वो भी घूमें। तो अब चलते हैं हम लोग घर, कुछ खा पी के मार्केट से घूम लिए मंदिर, मन बहुत शांत लग रहा है, अब चलते हैं हम लोग घर। लाइए तंदूरी चाय, प्याली गरम, अंदर है प्याली, दिखेगा तब ना मजा लगेगा। देखिए तो तंदूरी चाय, तो आ गया तंदूरी चाय, खतरनाक तंदूरी चाय है ये। अब कभी माथा दर्द करे तो आइए यहाँ चाय पीजिए, अब माथा दर्द से आराम पाइए। तो चलिए पीते हैं तंदूरी चाय। तुम ले लिया आप ना, बिहाइंड द सीन ना। तो करते हैं आज के ब्लॉग को एंड। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट।